नमस्कार दोस्तों, भूपेन सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम रूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों 49 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आउट हो चुका है और साथ साथ में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो इसकी विज्ञप्ति आनी थी वो भी आ चुकी है और यह क्लियर हो चुका है कि 1,06,060 बच्चे ही पास हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जो हमने पहले वीडियो बनाई थी कि ये फर्जी है, ये फेक न्यूज है, तो दोस्तों इसी को ध्यान रखते हमने दूसरी वीडियो बनाई है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका आ चुका है और आप इसकी विज्ञप्ति भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें कितने छात्र पास हैं, दो छात्र पहले जॉब पर हैं उनको नियुक्ति नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले 68,500 की भर्ती हुई है और 68,500 की भर्ती में जो छात्र थे उन्होंने भी इसमें फॉर्म डाला था और उनके अच्छे मार्क्स भी इसमें हैं और वे दूर दराज जिले में होने के कारण वे सोच रहे हैं कि पास के नज़दीक के ज़िले में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शासन आदेश जारी कर दिया है कि जो 8,500 में हैं उनको कोई भी NOC नहीं मिलेगी, मतलब कि जो जहां पर हैं वो वहीं पर रहेगा। दोस्तों दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन की जो विज्ञप्ति निकली है वो विज्ञप्ति किस तरह से है। और दोस्तों जो भाई चैनल पर नए प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके पास में अवश्य लेकर आते हैं। दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि विज्ञप्ति सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 का प्रकाशन आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कार्यालय भी आप देख सकते हैं कि परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप शासन आदेश भी देख सकते हैं कि शासन आदेश में दिखाया गया है कि जो एक बार को लागू हुआ था और इसके साथ साथ में जो दिनांक जो सहायक अध्यापक भर्ती जो हुई थी 6 जनवरी 2019 को वो कराई गई थी और इसका परीक्षा फल जो है 12/5/2020 को आयोजित मतलब घोषित कर दिया गया है और इसका जो परिणाम है वो 13/5 को दोपहर बाद इनकी वेबसाइट दी, वेबसाइट पर आप इसमें जाकर देख सकते हैं और अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यह परीक्षा परिणाम जो है वेबसाइट पर 29/5/2020 तक ही रहेगा, मतलब कहना क्या है कि 16 दिन परीक्षा परिणाम जो आपकी वेबसाइट पर रहेगा, इतने टाइम में आप इसको कभी भी आप देख सकते हैं। जो पंजीकृत छात्र थे इसमें थे 431,466 छात्र थे, जिसमें जो सम्मिलित हुए थे आपके 409,530 सम्मिलित हुए थे और जो इसमें उत्तीर्ण छात्र हुए हैं 1,06,060 इसमें उत्तीर्ण में हुए हैं। क्योंकि इस विज्ञप्ति को कुछ लोग पहले इसको झूठ साहब बताए थे क्योंकि इसमें सचिव के और उनके साइन इसमें नहीं थे, बोले थे कि ये एडिट करी हुई है, किंतु आप सभी देख सकते हैं कि नीलभूषण चतुर्वेदी जो कि नियामक परीक्षा सचिव हैं और साथ साथ में आप एलन प्रगन परीक्षा के देख सकते हैं और यह किस किस को भेजी गई है आप ये भी आप सभी देख सकते हैं। और नीचे फिर इनमें अलिन चतुर्वेदी जी केस में साइन है कि 12/5/2020 केस में साइन। दोस्तों ये फैक नहीं है, बिल्कुल रियल है और वास्तव में इतने छात्र इसमें हुए हैं। दोस्तों इसके बाद में हम एक आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे कि कितने जो पहले वीडियो हम दिखा चुके हैं कि कितने टेट पर जो सुपर टेट थे SC OBC कितने हैं, जनरल कितने हैं, शिक्षा मित्र कितने हैं, BTC कितने हैं, BEd कितने हैं, ये भी हम आपको पहली वीडियो में दिखा चुके हैं। इसके साथ में हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि किसका कितने अंक पर होने की संभावना है। दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि परीक्षा जो हुई है उसके अनुसार देखते हुए इतना अनुमान नहीं था कि इतना हाई रिजल्ट आ सकता है, किंतु रिजल्ट को देखते हुए लग रहा है कि मेरिट बहुत ऊंची जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आपका, अपना भूपेंद्र सिंह।